हिमाचल प्रदेश की डी नोटिफाइड सुक्खू की कांग्रेस सरकार ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। जिस प्रकार से सुक्खू सरकार ने अपने पिछले 10 माह मात्र डी नोटिफिकेशन में ही व्यक्त कर दिए, अब वक्त आ गया है कि ऐसा ही सिलसिला प्रदेश की कांग्रेस सरकार का रहा तो प्रदेश की जनता ही कांग्रेस की सरकार को डी नोटिफाइड कर देगी। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर, चाहे वो महंगाई का विषय हो, चाहे वो चरमरा रही कानून व्यवस्था हो, चाहे वो ये झूठी गारंटियों की नाव में जो सत्ता में आए थे उन गारंटियों में जो खामोशी धारण करके कांग्रेस की सरकार बैठी है, ये विषय हो, प्रदेश की जनता का सवाल प्रदेश की सुक्खू सरकार नहीं दे पा रही है। महंगाई की बात करने वाली कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले आते क्या तोहफा दिया कि 7 रुपए डीजल की एक मुश्त कीमत बढ़ाना, इससे कौन वर्ग प्रभावित हुआ? प्रदेश की गरीब जनता। गरीबों की कमर तोड़ इस प्रकार से कानून, इस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन, और यही नहीं, पिछले 10 माह के भीतर जिस प्रकार से सुक्खू सरकार के लोग, चाहे वो मंत्रिमंडल में हो चाहे कांग्रेस के नेतृत्व में हो, जिस प्रकार से उनका आपसी घमासान मचा हुआ है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा लगातार दिल्ली हाईकमान में अपनी पीड़ा और दर्द को वहां बयान कर रही है, भाई कांग्रेस पार्टी के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष पहले ही अपनी वेदना व्यक्त कर चुके हैं, सुक्खू सरकार के एक मंत्री कुछ और बोल रहे हैं, दूसरे मंत्री कुछ और बोल रहे हैं, और जिस कांग्रेस नेता के दम पर जो पूर्व में नेता प्रतिपक्ष थे, प्रदेश की सरकार बनाने में कामयाब हुए, वर्तमान में उपमुख्यमंत्री, उनकी वस्तु स्थिति क्या है, उनको पूरी तरह राजनीतिक हाशिए पर धकेला हुआ है, इस प्रकार के जो घटनाक्रम है उससे निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के विकास में असर पड़ा है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर यही स्थिति रही तो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ज्यादा समय पर प्रदेश की सत्ता में नहीं टिक सकती है, और ऐसी कमजोर और दिशाहीन सरकार के विरुद्ध जिस प्रकार पिछले दिनों आपदा के समय पर भाई भतीजावाद, सेवा भाव में भी अपना और पराया, और जिस तरह से वंदरमांट हुई है, इन तमाम विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और विधायक दल भारतीय जनता पार्टी का संयुक्त नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के हजारों कार्यकर्ता 25 सितंबर 2023 को राजधानी शिमला के विधानसभा में एक विशाल प्रदर्शन के रूप में घेराव करेगी, ताकि प्रदेश की ये सुक्खू सरकार आने वाले समय में प्रदेश की जनता के साथ और जुल्म ना कर सके। आज मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।